alaikum. Start with the name of God, the most compassionate, most merciful. Parvadigar ke naam se shuru karte hain, jo ke bada mehrban hone aaj hai. My dear student, as you know that just because of COVID-18 means coronavirus, we are unable to conduct your classes. So I have decided to take some classes by the video lectures. So inshallah ta'ala, we'll have some classes on continuous basis. I want you all to please subscribe my channel Zakir Official on YouTube. Inshallah ta'ala, see you in the class. Thank you very much. As you all know that the basic reason of my video is to learn English by your native language. So first of all, start our first lecture in our native language. So first of all, tell me कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, पता करने के लिए, मालूम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. डेफिनेटली यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट माइंड, इंटेलिजेंसी, स्किल्स, नो आइडिया. किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, पता करने के लिए, मालूम करने के लिए सवाल की ज़रूरत होती है. यस, क्वेश्चंस. एंड वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. वन इज इंफॉर्मेटिव एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड WH क्वेश्चन. एंड सेकेंड वन इज कन्फर्मेटिव एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट द इंटरोगेटिव. इन द इंटरोगेटिव वी कैन आंसर बाय सेइंग यस और नो. एंड इन द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन मीन्स इन WH क्वेश्चन वी हैव टू स्पीक समथिंग, वी हैव टू गिव सम इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क दैट व्हेन यू गो टू स्कूल मीन्स आप स्कूल कब जाते हैं. सो यू कैन नॉट आंसर बाय सेइंग यस सर और नो सर. बट इफ आई आस्क डू यू गो टू स्कूल, so you can easily answer yes sir I go to school, no sir I don't go to school. So first of all, you'll have to have command upon questioning, because asking is the beginning of receiving. If you know that how to ask the question, you can easily increase your knowledge. Thank you very much. I want you all to please subscribe my channel Zakir Official. See you in the next class. Class ke andar bhi hum cheezon ko samajh lete hain ki question basically kya hote hain, jo maine aapko bataya कि क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं. क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं और कैसे होते हैं. सो माय डियर, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. एक हमारे पास क्या होते हैं, इन्फॉर्मेटिव, और एक हमारे पास क्या होते हैं, कन्फर्मेटिव. सो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो बेसिकली हमारे पास होते हैं उनको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं. यानी ये क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से. लाइक आई टॉक अबाउट व्हाट, व्हाई, व्हेन, where, how, okay. So मैंने यहाँ पे लिखा how, अब मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि WH question. My dear, मैंने ऐसा नहीं कहा कि WH question, नहीं, मैंने कहा WH question means W वाले question और H वाले question. So WH questions के अंदर हम जो है answer yes or no में नहीं दे सकते, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, कुछ बताना होता है, ठीक है ना. मतलब वर्ड में क्या है, हमें बताना है कि व्हाट इज योर नेम, वेल माय नेम इज ज़ाकिर, ठीक है. व्हाई, व्हाई यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेयर यू लिव, वेल आई लिव इन मजर पार्ट ऑफ कराची. हाउ, हाउ डस ज़ाकिर टीच, वेल ज़ाकिर टीचेस वेरी वेल. सो वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन in the answer of WH question. So और क्या होता है हमारे पास interrogative में, यानी confirmative question में क्या होता है, confirmative question जो है वो हमारे क्या होते हैं, interrogative. जिस तरह हम interrogation की बात कर रहे होते हैं कि हम पूछ रहे होते हैं, किसी कुछ उगलवा रहे होते हैं, तो ये हमेशा start होते हैं हमारे helping verb से. There are many helping verb like auxiliary verb or modal verb, के is, am, or, was, were, has, have, do, does, and etc. और बहुत सारे have वो होते हैं, can भी है, should भी है, क्योंकि modal verb जो होते हैं वो basically auxiliary verb होते हैं. So my dear, हम confirmative question के answer में we can easily say yes or no. Means do you go to school? Yes, I go to school. Do you go to school? No, I don't go to school. Are you Pakistani? Yes, I'm Pakistani. Okay. Do you take tea? Yes, I take tea. Okay. Are you Pakistani? Yes, I'm Pakistani. So means we can easily answer by saying yes or no only in the answer of confirmative, यानी के interrogative question. So my dear, again I am saying that किसी भी हम stranger से मिलते हैं, पहली मौका मिलते हैं, तो हम सबसे पहले उसका introduction लेते हैं, और introduction जो होता है वो consist करता है question पे. So आपने अपने आप को perfect बनाना है in questioning, means to ask something. If you are good at asking, so you can easily answer.
जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि भाई सवाल समझ लो, सवाल के अंदर ही जवाब होता है। तो सबसे पहले हमने कमांड हासिल करनी है अपने क्वेश्चन पे, अगेन मैं बता रहा हूँ, फिर आस्किंग इज द बिगनिंग ऑफ रिसीविंग। सो माय डियर, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से ज्यादा डिटेल होगी। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल ज़ाकिर ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।